नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं मैथ ट्रिक से रिलेटेड। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां है। यदि आपने इसके पहले का पार्ट्स और हमारे 200 से अधिक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट और ट्रिक की वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, जो हम मैथ्स की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप स्टेट लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो, जहाँ कहीं भी मैथ्स पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 से 8 अधिक है तो संख्या क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, पहले खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या बता रहा है कि 4/5, तो मैं जैसे पहले भी बता रहा हूँ कि कुछ भी दिया तो आप उसे x मान लीजिए, जो कि आप पहले से करते आ रहे होंगे। फिर क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 4/5 भाग, तो मतलब क्या हो जाएगा, 4x/5 हो जाएगा, ठीक है। उसके 3/4 भाग से, तो मतलब उसका 3/4 भाग क्या है, 3x/4 से 8 अधिक है, तो मतलब क्या कर दें, माइनस अगर हम कर दें, इन दोनों में से माइनस कर दें तो भी हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का 8 मिल जाएगा। बस यही चीज़ सेम चीज़ थी। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा 16x, मतलब 16x माइनस ये कितना हो जाएगा, 15x बराबर ये 8। अब इस 20 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16x माइनस 15x करेंगे x आ जाएगा, और 20 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160। तो ये हो जाएगा आपका 160 और यही हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 40 वर्ष है, यदि सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तो सबसे कम उम्र के सदस्यों के जन्म के समय परिवार की औसत आयु की गणना करें। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो खुद से सॉल्व कीजिए कि इसे कैसे करना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें करना क्या होता है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत देखने को मिलते हैं। सबसे पहले 5 सदस्य हैं तो उन्हें मान लेते हैं a+b+c+d+e, ये 5 सदस्य हैं, उनका औसत बता रहे कितना है, पांचों का औसत कितना है, 40 है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें, इसको इधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, a+b+c+d+e, तो ये 40 से गुणा हो जाएगा, 200 हो जाएगा, मतलब इन पांचों की औसत आयु को अगर हम जोड़ दें तो 200 आएगा, उनका जोड़ कितना आएगा, 200 आएगा। लेकिन कह क्या रहा है, यदि सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तो सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के समय, देखिए 12 वर्ष अभी है तो इसके जन्म के समय ये कितने वर्ष का रहा होगा, देखिए 12 साल पहले ही जन्मा है, तो क्या करेंगे, हम सब में से माइनस कर देंगे, ठीक है, उस समय परिवार की औसत आयु की गणना करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपल सी चीज़ है, करना क्या है, 12 को गुणा कर देना है 5 से, क्योंकि 5 सदस्य थे तो टोटल 60 वर्ष इसमें से पहले वाले में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये अभी का है, अभी का है, और ये जन्म के समय का है, जन्म के समय, क्योंकि लड़का कितने का है, वर्तमान में 12 का है, तो 12 साल पहले सभी में से 12 साल कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब कितना हो गया, 200 में से हम 60 माइनस कर देंगे तो 140 हो जाएगा। अब वो पूछ रहा परिवार की औसत आयु, अब चूंकि वो बच्चा जो अभी पैदा हुआ है उसकी कोई उम्र ही नहीं है, मतलब वो तो अभी तुरंत पैदा हुआ है, तो उसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो आप कितने लोगों का ये औसत निकालेंगे, a+b+c+d, हमारे पास कितना आ गया है, ये 4 लोगों का आया है 140, तो इसे डिवाइड मार दें अगर हम, तो औसत हमारा निकल आएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 × 4, ये हो जाएगा हमारा 70, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। मतलब उस समय जो परिवार की औसत आयु कितनी थी, भी 35 थी, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। अब जिन लोगों को ये लग रहा हो कि मैंने ई वाले का क्यों नहीं लिया, तो भाई जब वो अभी पैदा हुआ तो उसकी तो कोई उम्र ही नहीं हुई है, ठीक है, तो इसीलिए उसी का हमने माइनस कर दिया है टोटल में से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 22% छूट देता है और 17% लाभ कमाता है, तो वह छूट को 20% कर देता तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता। दोस्तों इसका कमेंट ज़रूर करिएगा, जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं पिन कर दूँगा, आप सभी लोग उसका आंसर देख लीजिएगा। फिर भी अगर किसी को नहीं आता है तो कमेंट कर देना आप लोग, मैं क्या करूँगा उसे नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को समझा दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
किसी कक्षा में 70-30% महिलाएं छात्राएं हैं, जिनमें से 30% महिला छात्र अनुत्तीर्ण रही हैं। ठीक है, वार्षिक परीक्षा में कुल 900 छात्रों में से 82% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण हुए पुरुष छात्रों की कुल संख्या की गणना करिए। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले तो खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो अब मैं बताता हूँ आपको इसमें करना कैसे है। सबसे पहले आपको देखिए क्या है कि यहाँ पर आपको दे दिया है कुल छात्रों की संख्या 900 है। तो सबसे पहले हमारे पास 100% टोटल लोग कितने हैं, हमारे पास हैं ये हैं छात्र छात्राएं दोनों मिला के, वो कितने हैं 900 हैं। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या कि कुछ लोग इसमें से वोमेन हैं, कुछ लोग मैन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वोमेन का कर देते हैं, इधर मैन का कर देते हैं आदमी का। तो वोमेन क्या है भाई इसमें, इसमें है कि 30% जो हैं, 30% जो हैं इन्होंने बताया, जिनमें से 30% महिलाएँ छात्र, 30% महिलाएँ छात्राएँ हैं। ठीक है, तो 30% महिलाएँ, और उनमें से भी 30% पास हो गई हैं, कितनी 30% फेल हो गई। तो ये फेल का कर देते हैं, इधर पास का कर देते हैं। ठीक है, तो जब 30% कोई फेल हो गया तो पास कितने होंगे, 70% होंगे। ठीक है, इतना कर लिया आप लोगों ने, अगर ऐसे ट्री डायग्राम बना लेंगे तो इससे आपको आसानी होगी। ठीक है, अब क्या करना, क्या बहुत ही सिंपल हो गया आप क्वेश्चन। अब 900 का अगर हम 30% निकालें तो कितना आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो आ जाएगा 270 आ जाएगा। तो मतलब टोटल 270 कितनी है, महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने हैं, यहाँ पे पुरुष आपके हो जाएंगे यहाँ पे 70%, क्योंकि 30% महिलाएं हैं तो 70% आदमी भी होंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको निकालना है 900 छात्रों में 82 छात्र उत्तीर्ण हुए, 82%। तो जो उत्तीर्ण हुए, क्योंकि इसमें पूछा उत्तीर्ण हुए पुरुष छात्रों की कुल जनसंख्या, तो हमें उत्तीर्ण से ही मतलब है, तो 900 का हम 82% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 9 का गुणा 82 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 738 छात्र पास हुए हैं टोटल, मतलब इसमें लड़के भी हैं प्लस लड़कियां भी हैं। ठीक है, लड़की भी हैं, तो 738 हुए हैं। अब आपने बताया कि क्या हुआ कि 70% देखिए पास वाले लड़कों का ही हमें निकालना है, तो हमें टोटल पता है 270 लड़कियां हैं, उनमें से पास कितनी हुई, 70%। तो 70% निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 189 हो जाएगा। तो 189 लड़कियां क्या हुई, पास हुई हैं। ठीक है, और हमें पता है टोटल कितने पास हुए हैं, 738। तो 738 में से अगर हम 189 माइनस कर दें तो हमें लड़कों की संख्या पता चल जाएगी, क्योंकि हमको तो ये पता ही है कि 189 लड़कियां ही पास हुई हैं और 738 टोटल हुए हैं, तो बाकी वैसे कौन होंगे, लड़के ही तो होंगे पास जो हुए हैं। तो इसमें से माइनस कर देते हैं, वो कितना आ जाएगा, 549 माइनस करने पे, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे आप लोगों की कैसे करना था इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अतुल और आलिया मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 30 दिन का कार्य किया और फिर आलिया ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य को अतुल ने अकेले 20 दिनों में पूरा किया, अतुल अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले अतुल और आलिया, ठीक है, तो ए प्लस बी मान लेते हैं, कोई ए अतुल है, ये आलिया है। ठीक है, तो दोनों मिलके कितने दिनों में काम कर रहे थे, 40 दिन में काम कर रहे थे, तो दोनों मिलके कितना करते होंगे, 40 यूनिट काम किया होगा। ठीक है, मतलब टोटल काम कितना रहा होगा, 40 रहा होगा, जिसे उन्होंने 40 दिनों में काम किया, मतलब एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, 30 दिनों तक तो कार्य इन दोनों ने मिलके किया, फिर आलिया छोड़ के चली गई, तो बचा कितना था, देखिए 10 दिन का काम था। ठीक है, 10 यूनिट, 10 दिन काम था तो 10 यूनिट काम बचा था, और उस काम को उसने करने में कितना काम कितने दिन लगा दिए अतुल ने, उसने लगा दिए 20 दिन लगा दिए। ठीक है, तो क्या कह रहा, शेष कार्य को अतुल ने अकेले 20 दिन में किया, तो अतुल अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करता। तो अब देखिए यूनिट कितना, टोटल काम कितना था, टोटल काम यानी टोटल वर्क कितना था, 40 था, ये हमने माना ही था, और इसने कितना किया, 10 यूनिट करने में इसने 20 दिन लगा दिए, तो 40 यूनिट, मतलब टोटल वर्क 40 है, तो 40 करने के लिए यहाँ 4 से गुणा कर देते हैं, यहाँ भी 4 से गुणा कर देते हैं, तो 40 यूनिट जो कि टोटल वर्क है
उसे करने में से कितना लगाया, तो 20 को गुणा 4 से करेंगे 80, तो उसे कितने दिन लग जाएंगे, 80 दिन लग जाएंगे। तो दोस्तों ये आपने दो ही लाइन में मात्र इसका आंसर ले आया और यही हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी होगा, मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर कर ले जाएंगे, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक चिड़ियाघर में मोर और चीता हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 400 है और पैरों की संख्या 1160 है, तो चिड़ियाघर में मोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह के ट्रिक के वीडियो मैंने बना रखे हैं, मोर और चीता वाले, जिनमें 4 पैर या मोरों की संख्या इस टाइप का बताते हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद आपके ये सारे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। तो चलिए बता देता हूँ मैं, मैंने क्या बताया था, पैरों की संख्या को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1160 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 580, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 580 में से सिर की संख्या जो भी होती है, यहाँ पे कितनी है सिर की संख्या, 400 है बराबर, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 580 में से 400 अगर आप घटाएंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 180 जो आया है, ये 4 पैर वाले जानवरों की संख्या है, और 4 पैर वाले कौन से हैं, मतलब कि ये चीता की संख्या है, ठीक है, चीता की संख्या है, लेकिन आपको निकालने की इसकी मोर की संख्या, उनके कितने पैर होते हैं, उनके 2 पैर होते हैं, तो कुछ नहीं करना, टोटल जो आपके सर की संख्या है जो कि 400 है, क्योंकि हमें पता है सिर तो भाई कोई भी जानवर चाहे 4 पैर वाला हो चाहे 16 पैर वाला हो, सबके सिर कितने होते हैं, एक ही होते हैं, तो माइनस कर देते हैं इसी में से 180 माइनस कर देते हैं, जो आपका 4 पैर वाले जानवर वालों की संख्या आई है उसी में से बस माइनस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 400 में से 180 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 220, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 पैर वाले जानवर की संख्या जो कि कौन है, मोर है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यही आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आदमी किसी निश्चित समय में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में धारा की दिशा में 3 गुनी दूरी तय करता है, यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में आदमी की गति ज्ञात करें। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले तो इसे खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि ये कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम जो वी मान लेते हैं नाव की चाल को, नाव की चाल है वी, और यू मानते हैं कि धारा की चाल है, ठीक है, धारा की चाल है, ठीक है। अब क्या आपको ये पता ही है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है, ये आपको पता ही है। तो हमें करना क्या है, समय को हम टी मान लेते हैं, चाल हमारे पास ये दी हुई है, तो बस करना कुछ नहीं। अब देखिए, हाँ, धारा के साथ जब भी बोला जाए, धारा के साथ, तो इसमें आप क्या करेंगे, वी प्लस यू कर देंगे, और धारा के जब विपरीत बोला जाए, विपरीत, तो क्या करेंगे, वी माइनस यू ले लेंगे, बस इतना अगर आप समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम करना क्या है कि धारा के साथ ये बोल क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन में, निश्चित समय में, मतलब निश्चित समय तो हम एक टी मान लेते हैं, धारा के विपरीत दिशा की तुलना में धारा की दिशा में 3 गुनी दूरी तय करता है, 3 गुनी दूरी तय कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी प्लस यू ले लेते हैं, वी प्लस यू मतलब धारा के साथ इंटू टी टाइम से गुणा कर देते हैं, और 3 गुना टाइम लग रहा है धारा के विपरीत में, इंटू टी कर देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति गति है, मतलब यू की वैल्यू हमें कितनी दी है, 5 दी हुई है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो वी प्लस 5 और टी बराबर 3, वी माइनस 5 और ये टी, अब टी से टी तो कैंसिल हो जाएगा, तो वी प्लस 5 बराबर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3V हो गया, माइनस 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब इस 15 को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 × 5 = 20 बराबर, ये वी उधर जाएगा तो जाएगा 3V - V, तो ये हो गया 20, ये हो गया 3V - V बराबर 2V, तो वी की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, ठीक है। लेकिन अब आपसे पूछा क्या, धारा की दिशा में आदमी की गति, मतलब जब भी मैंने पूछा था धारा की दिशा, मतलब धारा के साथ, तो क्या होता है, वी प्लस यू होता है, तो लिख लीजिए वी प्लस यू, वी कितना आपका आया, 10 आया है, इसे लिख लीजिए, प्लस यू कितना आया है, यू तो आपको पहले से 5 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो रेखाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे के समांतर हैं तथा इनके बीच दो त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी समान आधार ए बी पर हैं, तो ए बी सी त्रिभुज और त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफलों के बीच क्या अनुपात होगा दोस्तों। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ ये ट्रिक, मतलब इसमें तो कुछ लगाना भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी आपको दे दे कि एक दूसरे ए बी सी डी समांतर हैं और इनके आधार भी समान हैं, ठीक है, तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाता है। वो अभी मैं समझा देता हूँ कैसे। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, ये है आपका कुछ, इसे मिला देते हैं और एक इसको मिला देते हैं, ठीक है, फिर ये हो गया ए बी सी डी, ठीक है, ये हो गए समांतर रेखाएं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर, मतलब ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके बीच दो त्रिभुज ए बी सी, मतलब पहला क्या है ए बी सी ये वाला, फिर कह रहा है ए बी डी, मतलब कि ए और बी और डी ये ऊपर वाला, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है, ये त्रिभुज जो बन रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है, तो इसके बारे में हमें बताना। अब हमें बताया जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का, जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू एच, मतलब बेस क्या आधार होता है, ठीक है, ये आधार होता है और ये क्या होता है आपका ऊंचाई होता है, ठीक है। अब हमें क्या पता चल रहा है, देखिए बेस आपका सेम है दोनों का, चाहे वो ए बी सी का, देखिए बेस क्या है यही है, ठीक है, और हाइट मतलब कि ऊंचाई क्या है इसकी भी डी है, और इनकी भी देखे जाए समानांतर होने के कारण इसका भी सेम है, तो मतलब दोनों का क्या होगा, बेस और हाइट आधार ऊंचाई सब कुछ समान है, तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए कि आपका आधार बराबर है, ठीक है, आधार बराबर है तो इसका मतलब हाइट भी बराबर हो जाएगी, मतलब एक दूसरे के समानांतर हैं तो उसकी हाइट भी बराबर हो जाएगी, तो ऐसे कंडीशन में आप जो भी निकालेंगे क्षेत्रफल, ठीक है, हाफ बेस इंटू एच और बराबर करेंगे हाफ बेस इंटू एच, ये सब कट पिट के क्या आ जाएंगे, 1:1 आ जाएंगे, 1:1 रेशियो, मतलब जब क्षेत्रफल ही बराबर हो गया, अगर मैं कह रहा हूँ ये 2 है और ये भी 2 है तो क्या हो जाएगा, 1:1, 1:1 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर। तो जब भी आपको कहीं पे सेम आधार दिया जाए और बोला जाए कि ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, तो उस कंडीशन में आप बगैर कुछ सोचे आप लगा दीजिए कि आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू आर एस के समानांतर है, यदि पी की वैल्यू 50 डिग्री है तो एस का मान क्या होगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो इसे खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको इसे करना कैसे है। तो अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैं इसको एक बना लेता हूँ, चक्रीय चतुर्भुज मतलब कि ये गोले के अंदर है, तो ये बना लिया हमने इसको और ये हमारा बन गया चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसको नाम भी दे देते हैं, चलिए इसे दे देते हैं पी, इसे दे देते हैं क्यू, यहाँ पे आर है और ये एस है, ठीक है। अब कह रहा है कि पी की वैल्यू जो है 50 डिग्री है, मतलब 50 डिग्री है, ये तो इन्होंने दे ही दी है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है एस का मान, मतलब हमसे पूछ रहा है ये वाला मान पूछ रहा है कि ये क्या होगा, तो चलिए अभी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये तो पता है, तो क्या होगा पी और आर। देखिए जब भी आमने सामने, जब चक्रीय चतुर्भुज हो कोई भी, तो उनमें आमने सामने के कोणों का योग जो होगा, यहाँ भी तो आर एंगल और यहाँ पे क्यू है, तो आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ये तो हमको पता ही है। तो क्या करेंगे, एंगल पी प्लस एंगल आर बराबर 180 डिग्री है, ये तो हमको पता ही है। तो एंगल पी हमें क्या दिया है, 50 दिया है, तो आर इधर रखते हैं और 180 में से 50 डिग्री कर देंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब आर हमारा क्या निकला है, 130 डिग्री निकला है। अब देखिए क्या है, अब चूंकि बोल रहा है कि पी क्यू और आर एस समानांतर है, मतलब ये पी क्यू और आर एस जब समानांतर हैं तो इसमें क्या होगा कि इनका जो एंगल होगा, मतलब कि जो इनका कोण होगा वो 180 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो क्या होगा, एंगल आर प्लस एंगल एस बराबर 180 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर एंगल आर हमें क्या पता है, 130 डिग्री पता ही है, एंगल एस हमको निकालना है और 180 डिग्री ये तो
डी आई वाई, ठीक है। तो एंगल एस 180 माइनस क्या करेंगे 130 डिग्री, 130 डिग्री माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो दोनों माइनस करने पे 50 डिग्री आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल एस जो हमारा है वो 50 डिग्री है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया ऑप्शन ए, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई 50 डिग्री ही आ गई। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो मैथ्स प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड, ये हमारा 8वां पार्ट था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाली हैं। ऑलरेडी हमने 200+ वीडियोज़ डाल रखे हैं डिफरेंट टॉपिक्स और ट्रिक और प्रैक्टिस सेट के। तो अगर आप तक अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट में सबसे ऊपर मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपका आज के वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारा सपोर्ट करें। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।